नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना महामारी से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को हम रोकेंगे। हाथों को नियमित रूप से धोएं, नाक और मुंह को ठीक से ढकें। मास्क के आगे के हिस्से को ना छुएं। सुरक्षा की युक्ति, कोरोना से मुक्ति। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत साय मंडी में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड के मामलों में बहुत तेजी से जो है वो बढ़ोतरी हुई है पिछले दिनों में, और पूरे देश भर में ये बढ़ोतरी हुई है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल में ही हुई है, और जहां पूरे देश की ये चिंता का विषय है, स्वाभाविक रूप से हमारी भी चिंता का विषय है। पिछले साल कोविड के मामलों में 2000 का एक्टिव केस का आंकड़ा पार करने के लिए कई महीने लगे, और अब की बार 2000 का आंकड़ा पार करने में कुछ दिन ही लगे हैं। ये है चिंता का विषय, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम 2-3 दिन के अंदर जो है उसका रिव्यू करने वाले हैं, और भी कुछ पाबंदियां सख्तियां कुछ करने की अगर उस दृष्टि से आपको लगता है तो उन पर विचार करेंगे। लेकिन हमारी एक चीज़ को लेकर के जो एक स्पष्ट मान्यता है कि हमारी इकोनॉमी अब प्रभावित ना हो, चाहे हमारे वो टूरिज्म इंडस्ट्री है, चाहे हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, चाहे हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, ये प्रभावित ना हो। कोविड को रोकने के लिए जो चीज़ें की जा सकती है, वैक्सीन का अभियान पूरा तेजी से चला हुआ है, और वैक्सीन के अभियान के साथ साथ में ये भी मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ कोविड को कंटेन करने के लिए, को मैनेज करने के लिए बेड कैपेसिटी बढ़ाना, स्टाफ स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना, उन सारी चीज़ों को लेकर के हमने तेज़ गति से काम करना शुरू कर दिया है। और स्कूल फिलहाल हमने 4 तक बंद किए थे, अब हमने उनको 15 तारीख तक बंद करने का निर्णय लिया है कि हालात ऐसे बन गए। ऐसी परिस्थिति में जो टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, फिलहाल तो हमने यही तय किया है कि जितने भी होटलियर्स हैं और टूरिस्ट के लिए जो SOP बनाई है, उस SOP को फॉलो करने के लिए हमने बोला है, और उसका पालन करने के लिए थोड़ी सख्ती भी हम कर रहे हैं कि अब बीच में होटल्स में चेक कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को। लेकिन फिर बिल्कुल टूरिस्ट को रोक देना, आने से ही रोक देना, तो ये मुझे लगता कि अभी तक उचित नहीं होगा ऐसी स्थिति में। इस पर थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे। अगर मामले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो कुल सारी बातों पर फिर पुनर्विचार करने के बाद अगला निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि कोविड महामारी के कारण भारी व्यवधानों के बावजूद वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग के कुल राजस्व संग्रह में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 3% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में राजस्व संग्रह में 52% की गिरावट दर्ज की गई। कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण शुरुआती महीनों के दौरान आई रुकावटों को कम किया गया, जिसके फलस्वरूप राजस्व संग्रह दूसरी तिमाही में 4%, तीसरी तिमाही में 23% और चौथी तिमाही में 34% बढ़ा। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह ने मार्च 2021 के महीने में 44% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। मार्च 2021 के लिए कुल राजस्व संग्रह 1,006 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में इस अवधि के दौरान 699 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस महीने के दौरान वैट और राज्य GST के तहत राजस्व प्राप्तियों में क्रमशः 182% और 31% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। वैट संग्रह में वृद्धि मुख्य तौर पर विरासती मामलों के समाधान की सफलता के कारण हुई। इस योजना के अंतर्गत विभाग ने कर मामलों को निपटाकर 362 करोड़ रुपए वसूल किए, जिनमें से 182 करोड़ रुपए केवल मार्च 2021 में संग्रहित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्तियों में समग्र वृद्धि के प्रमुख कारणों में आर्थिक गतिविधियों का पुनरुद्धार, सरकार की अनलॉक रणनीति, करदाताओं द्वारा बेहतर अनुपालन और विभाग का बेहतर प्रशासन शामिल है। इसके अलावा विभाग की नई पहल ने विशेष रूप से प्रदर्शन कार्ड के माध्यम से फील्ड इकाइयों की निगरानी से बहुत ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार किया, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि विभाग ने हाल ही में एक प्रदर्शन कार्ड का उपयोग कर अपने
प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए भी एक पहल की है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बढ़ी हुई विश्लेषणात्मक और डेटा संचालित ज्ञान आधारित क्षमताओं के साथ कार्य इकाइयों के प्रयासों को और मजबूत किया गया है। इन पहलों से राज्य के राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभाग ने राज्य के राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए प्रमुख केंद्र क्षेत्रों की पहचान की है। विरासत मामलों के समाधान योजना के अंतर्गत वसूली, ई वे बिल का भौतिक सत्यापन, GSTR 3B रिटर्न फाइलिंग का अनुपालन, देर से रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज की वसूली, अनुचित ITC की वसूली, कर घाटे की वसूली और कर चोरी से संबंधित मामलों की पहचान और गलत रिफंड इनमें शामिल है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पूर्व राज्य मंत्री श्री मोहन लाल के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोहन लाल एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नेता थे जो गरीबों और निम्न वर्ग के लोगों के कल्याण के प्रति सदा समर्पित रहे। श्री जयराम ठाकुर ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जिला शिमला की जुब्बल कोटखाई तहसील के थरोला गांव में आग लगने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। इस घटना में 6 भवन जलकर राख हो गए। श्री जयराम ठाकुर ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे तक जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2171 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 140 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2027 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 12,70,288 लोगों की जाँच की जा चुकी है, जिनमें से 12,03,739 सैंपल की जाँच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 64,177 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 60,008 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,112 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।